हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने जा रहे थे तो मिक्सी के बारे में। तो मिक्सी को मैंने खोल रखा है, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा खोल के। खोलना तो आप सब जानते ही होंगे। ये हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है और ये हमारा बगल में आर्मेचर रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इस स्टेटर वाइंडिंग के बारे में। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल जो है ये हमारी जल गई थी, तो हमने ये नई वाइंडिंग की है। इसमें करीब 150 टर्न है, 150 राउंड है जो अपन ने वाइंडिंग किया है। इसका एक टॉप अपन कार्बन बॉक्स में लगा देते हैं और दूसरी कॉल का दूसरा टॉप अपन दूसरे चार्ट की कार्बन बॉक्स में लगा देते हैं। और ये अपन को दो बार जो है ये अपने जाएंगे मेन कनेक्शन में। दोस्तों थ्री स्पीड वाइंडिंग होती है मिक्सी की, बट मैंने यहाँ पर सिंगल स्पीड करके वाइंडिंग कर दिया है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आर्मेचर के बारे में। तो आर्मेचर को कैसे चेक करेंगे, सीरीज में और मल्टीमीटर से दोनों में बताऊँगा। सबसे पहले जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर और जो बीच की जो अपने पोल हैं, इन दोनों को सबसे पहले चेक करेंगे, शॉर्ट करके चेक करेंगे। और अपने पास ये सीरीज बोर्ड है, सीरीज बोर्ड से भी चेक करेंगे। और ये जो मल्टीमीटर है इससे भी हम चेक करना बताते हैं। तो दोनों तरीक़ों से हम आपको आर्मेचर को चेक करना बताएंगे कि सही है या नहीं है, अगर स्पार्किंग हो क्यों रही है और क्यों नहीं हो रही है, है ना। तो चलिए सबसे पहले अपन सीरीज से चेक कर लेते हैं। दोस्तों सीरीज से चेक करने के लिए आपके पास एक सीरीज बोर्ड होना चाहिए, जो इस तरह से ये मेरे पास है। ये देखिए यहाँ पे एक प्लग मैंने फंसा दिया है और जिसमें मैंने सीरीज बनाया है, और यहाँ पे एस से उसको संकेतिक कर दिया है ताकि कभी भी डोरी यदि कोई अदर व्यक्ति आता है तो फंसाए ना यहाँ वहाँ। तो ये अपन इस सीरीज से चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने पास लाइट का होना ज़रूरी है, यदि लाइट है तभी सीरीज से चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको फंसाते हैं और लगाते हैं कि किस तरह से इनको चेक करेंगे, है ना। तो इसके पहले सबसे पहले ये अपने चेक कर लिए कि हाँ लाइट है और सब सही है ना। तो अपन लगाते हैं सबसे सही सबसे पहले कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर से दोस्तों इन स्लॉट में लगाते हैं और इनमें चेक करते हैं कि ये शॉर्ट तो नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो मतलब आपकी वाइंडिंग जो है अभी ख़राब नहीं हुई है, है ना, पूरी वाइंडिंग ख़राब नहीं हुई है। तो इस पर अपन ये चेक कर लेंगे, है ना। इसके बाद करते क्या है कि एक में जब अपने कम्यूटेटर के इतने सारे पोल होते हैं, स्लॉट होते हैं, उनमें से किसी में भी एक में वायर रख के बाकी सभी वायरों को धीरे धीरे इस तरह से चेक करेंगे। सभी में दोस्तों कंटिन्यूटी आनी चाहिए, मतलब बल्ब का जलना ज़रूरी है। यदि नहीं जल रहा, ब्रेक हो रहा है, तो पक्का है कि वाइंडिंग आपकी ख़राब हो गई है, है ना। दोस्तों इस तरह से एक एक करके सभी को आपस में कंटिन्यूटी चेक करते जाते हैं कि ठीक है या नहीं है, लाइन आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरह से अपन को चेक करते रहना है और इसी तरह से एक एक करके चारों साइड के पोलों के स्लॉटों को चेक कर लेना है, है ना। और इसी तरह से कंटिन्यूटी भी चेक करते हैं दोस्तों। जैसे मल्टीमीटर होता है उस पर कंटिन्यूटी बताता है, इसी तरह से सीरीज में बल्ब जलता है उसमें कंटिन्यूटी बताता है। तो इस तरह से चेक कर लेंगे अपन एक एक करके। ये देखिए सभी में बल्ब जल रहा है और ये देखिए यहाँ पर कुछ लफड़ा सा लग रहा है, स्पार्किंग हो रही थी। तो ये देख लेते हैं अपन, ये देखिए फिर से यहाँ दिखाइए, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टच करने से अगल बगल स्पार्किंग हो रही है, मतलब इसकी एक दो वाइंडिंग ख़राब हो गई है, है ना। तो ये देखिए इस तरह से जो स्पार्किंग हो रही है, मतलब ये आपका जो आर्मेचर है वो ख़राब हो गया है, है ना। बाकी वाइंडिंग तो सही बता रहा है, लेकिन कुछ जगह पर लगाने से ये एक दो वाइंडिंग जो है इसकी जलते हैं, जिससे कि ये जो अपने स्पार्किंग इससे भी कई बार खत्म हो जाए। नया जैसा कर लेना है, एक भी कार्बन नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। तो साफ करते हैं और फिर इसको कस के चेक करते हैं कि शायद ये स्पार्किंग बंद हो रही है या नहीं हो रही। तो चलिए दोस्तों, ये अपन ने मोटर को कस लिया है, इसको फिर से अपन चेक करते हैं डायरेक्ट में लगा के कि स्पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही, है ना। तो इसको सबसे पहले अपन को अच्छे से रखना है ताकि ध्यान रहे कि करंट की जो वायर हैं जिस पर अपन को सप्लाई देना है वो यहाँ वहाँ टच ना हो। तो अपन ये चेक करेंगे इसको, ये अपन ने पूरी कस लिया है फिर से, कार्बन बॉक्स वगैरह सब लगा लिए। अब इसको अपन चेक करेंगे कि स्पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही, कहीं धुआं तो नहीं छोड़ रही है कुछ भी, है ना। तो चलिए अपन लगाते हैं वायर इसमें और देखते हैं क्या हाल है मशीन के। तो जैसे ही देखिए कि ये मैंने टच किया वायर पर, तो ये स्पार्किंग हो गया। देखिए ये बिल्कुल भी मतलब सही नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू जो है ये
जल ही रहा है, स्पार्क कर ही रहा है, मतलब कि अब अपन को आर्मेचर नहीं बन सकता, इसको चेंज करना ही पड़ेगा, ये दूसरा ला के अपन इसको